दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय कन्नड़ भाषा की मस्ट वेटेड मूवी, जिसका नाम है मार्टिन। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डब में देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्टिन मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे मार्टिन फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब साल 2024 में रिलीज होगी तो भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है, इसकी भी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। तो दोस्तों अगर आप लोग साउथ की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो या फिर कन्नड़ की, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म आपको कब तक इंडिया में देखने को मिल जाएगा, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वहीं दोस्तों आपको बता दें AP अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुव सरजा उनके अलावा वैभवी संडलिया उनके अलावा अनुमेशी जैन उनके अलावा सुकृता वागले उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वही दोस्तों मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो की दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है, और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है, और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोट भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।
जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर MLA के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है, और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं MLA के एक दूर दराज की, यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है। जाहिर तौर पर आपको बता दें, उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की, और दशकों बाद जो है वो यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वंकेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो, लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें, सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा, जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं, और जातिगत अभिमान, बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है। जो कि दोस्तों बता दें, यहाँ पे MLA के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो यदुर समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ थरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें, कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे, या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें, MLA के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है, जो कि गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया, जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है, और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं। और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर, हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को, उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे, इस्माइल, इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी, उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें, तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है,
नरेश और वेंकटेश महाबीस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं। बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वाग्लून के अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोगों को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। दोस्तों मार्टिन एक कन्नड़ अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में कन्नड़ वेरी टैलेंट एंड वेरी जो है पॉपुलर सुपरस्टार जो है ध्रुवा सरजा और साथ ही साथ इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कनाडा जो है वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस में नजर आने वाली है। दोस्तों बता दें संधिल जो कि काफी ज्यादा जो है पॉपुलर होने के साथ साथ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। एंड आपको बता दें दोस्तों कि इस बार जो है कन्नड़ सुपरस्टार जो है ध्रुवा सरजा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म मार्टिन काफी जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म में से एक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार जो है ध्रुवा सरजा की आने वाली मच अवेटेड कन्नड़ फिल्म मार्टिन में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद दोस्तों ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार ध्रुवा सरजा और फिर एक्टर जो है वैभवी सिल को नहीं जानते होंगे। दोस्तों वैभवी मर्चेंट को नहीं जानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे। दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि कन्नड़ भाषा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म मार्टिन ने इस बार इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। वही दोस्तों बता दें क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर तक की देशों में भी तहलका मचा सकती है। और दोस्तों इस बार कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुवा सरजा दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो है काफी जबरदस्त नजर आने वाले हैं। वहीं ध्रुवा सरजा की अपकमिंग फिल्म जो है मच अवेटेड फिल्म मार्टिन भी काफी ज्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाया देगी, क्योंकि दोस्तों तहलका मचा सकता है। जैसे 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ भाषा की मच अवेटेड फिल्म जो है KGF ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था
और दोस्तों वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार ध्रुवा शर्जा की अपकमिंग कन्नड़ भाषा की फिल्म मार्टिन ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार ध्रुवा शर्जा की अपकमिंग फिल्म जो है मार्टिन एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है, जो कि केजीएफ को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफी ज्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ जो है भरपूर थ्रिलर सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों बता दें कि ये नई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप इस सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार ध्रुवा शर्जा की इस फिल्म को आपको बता दें एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की एक से नहीं बल्कि दोस्तों एक एक के सीन्स को काफी बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। एक एक सीन्स में ही काफी ज्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स ने भी काफी जबरदस्त काम किए हैं। दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़कर हम खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार हो सकती है। वही कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की कई ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है ये फिल्म, क्योंकि दोस्तों कनाड फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार ध्रुव शर्जा का नाम ही काफी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म जो है मार्टिन के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम जो है पॉपुलर है। पॉपुलर होने के साथ साथ आपको बता दें इन एक्टर एक्ट्रेस और जो है फिल्म मेकर्स को लोग भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग दोस्तों एनी टाइम काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं और दोस्तों दावा के साथ बोल सकते हैं कि कन्नड़ फिल्म जो है इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म मार्टिन बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने वाली है। होने के साथ साथ दोस्तों बता दें पब्लिक को भी फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म मार्टिन के अंदर सुपरस्टार ध्रुवा शर्जा के साथ साथ जो है रोमांस करते हुए कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्टर जो है भाई भाभी संधिल इस फिल्म में नजर आने वाली है। भाभी संधिल भी आप सभी को नजर आएंगी, जिनको दोस्तों पब्लिक भी काफी ज्यादा पसंद करती है। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी दोस्तों पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे, तो पब्लिक भी फिल्म से काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। दोस्तों इसीलिए आपको बता दें कि हम दावा के साथ कह सकते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म मार्टिन ने इस बार कनाडा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा और काफी दोस्तों यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही बड़ी हिस्ट्री खड़ा करने वाली है, जो कि सुपरस्टार ध्रुव शर्जा और एक्टर जो है यहाँ पे वैभवी संधिल की करियर में सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट होगा। और वही दोस्तों बता दें कि फिल्म मार्टिन को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर एपी अर्जुन ने, जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टर में से एक रहे हैं। डायरेक्टर है, काफी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। और दोस्तों जिनसे इससे पहले कई जो है कन्नड़ और दोस्तों कई ब्लॉकबस्टर फिल्म ये दे चुके हैं अपने डायरेक्शन में, वही दोस्तों कई सारे ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर एपी अर्जुन ने सुपरस्टार ध्रुव शर्जा के साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म में एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर एपी अर्जुन की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म जो है मार्टिन हिट नहीं होगी, बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला हो सकता है। वहीं 2018 में रिलीज हुई फिल्म केजीएफ ने दोस्तों क्रिएट किया था एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री क्रिएट किया था। लेकिन दोस्तों बता दें कि अभी दोस्तों फिलहाल लोगों को फिल्म का टीजर ही देखने को मिला है मार्टिन का, लेकिन दोस्तों सुपरस्टार ध्रुव शर्जा की लुक्स को ही दिखाया गया इस ट्रेलर में। लेकिन दोस्तों फिल्म में और भी कई बड़े बड़े सुपरस्टार भी शामिल हैं, जिनकी लुक्स के साथ साथ जो है करेक्टर को भी दिखाना बाकी है, जो कि अब फिल्म की ट्रेलर में या फिर दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो भी होगा 100% आपको बता दें कि ये फिल्म हिट होने वाला है।
और दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफी ज्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर जो है रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जिससे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। मार्टिन ए कॉर्नॉड अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में कॉर्नॉडा की वेरी टैलेंटेड और वेरी ब्यूटीफुल सुपरस्टार ध्रुव सर्जा, और उनके अलावा दोस्तों इस फिल्म में और कन्नड़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड जो एक्ट्रेस वैभव बी संधिल, जो कि काफी ज्यादा जो है पॉपुलर होने के साथ साथ जो है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। और दोस्तों बता दें कि इस बार जो है कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म मार्टिन काफी जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म में से एक होने वाली, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की मच अवेटेड कन्नड़ फिल्म मार्टिन में एक नहीं बल्कि कई सारे स्टार कास्ट आपको दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से बताया जा सकता है कि फिल्म में आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, जब भी ये फिल्म रिलीज होगा आप लोग इस फिल्म को जरूर सिनेमाघरों में जाकर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है। इसमें दर्शकों को देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक तो कन्नड़ भाषा की एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसे बनाने में तकरीबन 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, और ये बजट एक कन्नड़ फिल्म के लिए कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों कन्नड़ भाषा की फिल्मों को बनाने में सिर्फ 1 से 2 करोड़ या फिर जो है 10 से 20 करोड़ में ही निपटा दिया जाता है। लेकिन ये एक अलग लेवल का फिल्म है, जिसके हर एक एक सीन पे मेहनत किया गया है, हर एक एक सीन को फिल्माने में मेकर्स ने बहुत ही लंबा पैसा खर्च किया है, अपने टाइम को यहाँ पे दिया है फिल्म के अंदर, और सभी एक्टर्स और एक्ट्रेस से अच्छी तरह से काम करवाया है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इस फिल्म के अंदर हर एक एक सीन को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है, ताकि दर्शक इस फिल्म से जुड़ सके, इस फिल्म को देख सके और इस फिल्म के बारे में अपने ओपिनियन भी दे सके। वही दोस्तों अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फिल्म का सिर्फ टीजर ही रिलीज हुआ है। तो दोस्तों इस टीजर में सिर्फ जो है फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेस को दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों जो भी बड़े बड़े सीन से उसको अभी नहीं दिखाया गया, हो सकता है फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज होगा तो उसमें आपको वो सभी बड़े सीन्स आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को देखना पसंद करते हो, वैसे अगर आप लोगों ने KGF 1 KGF Chapter 2 फिल्म को देखा है तो ये फिल्म भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि KGF Chapter 2 को ये फिल्म टक्कर दे सकता है। वही दोस्तों Pushpa 2 भी रिलीज होने वाला है 2024 में, इसकी भी अपडेट मैं आपको दूसरी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों KGF Chapter 2 जो AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अर्जुन सर्जा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें AP अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुव सर्जा, उनके अलावा वैभवी संडलिया, उनके अलावा अनुमेषी जैन, उनके अलावा सुकृता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और T-Series द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वहीं दोस्तों मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो कि दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था, और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है, और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है।
तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो है अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है जिसमें कहा गया है कि एक वोट भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर रहा है। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है। जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वह यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी जहाँ पे दो युद्धार्थ समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं जिन्हें जो है नॉर्थ हरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गाँव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर वो ही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है जो कि गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वहीं आपको बता दें इस्माइल इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है। क्योंकि फैंस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश माह भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है, और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर, और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ, और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ, और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुव सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया, उनके अलावा अनुमेशी जैन, उनके अलावा सुकृता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा
उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों, फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वही दोस्तों, मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो की दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों, फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक या अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों, ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोट भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर रहा है। यहीं पर बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस्ट और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है, जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वो यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा, जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है। जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो युद्धार्थ समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ थरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गाँव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है,
जो कि गांव में केवल दो ही किसी गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया, जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं। और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर, हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को, उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे, इस्माइल, इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है। इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरु का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है, और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुर्ता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर, और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कॉर्नर बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट, प्रोडक्शन, प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ, और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वहीं दोस्तों, आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों, इस फिल्म में ध्रुवा सरजा उनके अलावा वैभवी संडलिया उनके अलावा अनुमेशी जैन उनके अलावा सुकृता वागले उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों, मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों, फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वही दोस्तों, मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो की दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों, फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों, ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोर्ड भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है, जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वह यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम
भले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो, लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा। जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान, बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है। जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शिक्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो युद्धार्थ समूह को दो यदुर समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ हरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गाँव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्ति को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे, या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है। जो कि गांव में केवल दो ही किसी गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया, जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं, और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर। हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को, उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे इस्माइल, इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले, तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले, तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले, तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले, तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकार्य है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है, और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले, तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले, तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है,
जो कि इस फिल्म में आपको शकुर था वाग्लोन के अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकी तीन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मूवीज की रिव्यू करता हूँ और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुव सरजा उनके अलावा वैभवी संडलिया उनके अलावा अनुमेशी जैन उनके अलावा सुकृता वागले उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वही दोस्तों मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो की दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोलोर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोट भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह ये है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है
इस भूमिका को निभाने के लिए उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की, यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है, जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की, और दशकों बाद जो है वो यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दे कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो, लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा, जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं, और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है। जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ थरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गाँव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे, या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है, जो कि गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया, जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है, और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं, और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर। हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को, उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे इस्माइल, इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले, तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स से भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले, तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले, तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है
विचारो तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पद कथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेशी जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वागले उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोगों को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुवा सरजा उनके अलावा वैभवी संडलिया उनके अलावा अनुमेशी जैन उनके अलावा सुकृता वागले उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वही दोस्तों मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो कि दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपा तंत्र होने वाला है।
तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है जिसमें कहा गया है कि एक बोट भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर MLA के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यही पे बता दें कि संपूर्ण नोस बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं MLA के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है। जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वो यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे MLA के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी जहाँ पे दो युद्धार्थ समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं जिन्हें जो है नॉर्थ थरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गाँव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें MLA के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग की युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है जो कि गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर। हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे इस्माइल इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है लेकिन दोस्तों मॉडर्न फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है। क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कन्फर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले, तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्य प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले, तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले, तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले, तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साय के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है, और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले, तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले, तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेशी जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन देर इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर, और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट, प्रोडक्शन, प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोगों को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ, और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो, तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ, और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया, उनके अलावा अनुमेशी जैन, उनके अलावा सुकृता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा
उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों, फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वहीं दोस्तों, मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो कि दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों, फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक या अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों, ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मोडोन अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोर्ड भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है, जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वह यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा, जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो युद्धार्थ समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ हरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है।
जो कि गांव में केवल दो ही किसी गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया, जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं। और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर, हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को, उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे, इस्माइल, इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है। इस मूवी की कहानी और कैसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कन्फर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक इफेक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले, तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्य प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स से भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले, तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले, तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले, तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है, और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले, तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले, तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेशी जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीर इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवी से रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर, और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट, प्रोडक्शन, प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोगों को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ, और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों, आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों, इस फिल्म में ध्रुव सरजा उनके अलावा वैभवी संडलिया उनके अलावा अनुमेशी जैन उनके अलावा सुकृता वागले उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों, मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वही दोस्तों, फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वही दोस्तों, मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो की दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों, फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों, ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोर्ड भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है, जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वह यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम
भले ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो, लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा। जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है। जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शिक्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो यदुर समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ हरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वो ही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्ति को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है, जो कि गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया, जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं। और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर, हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे इस्माइल, इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कन्फर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इफेक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स से भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनन शाही के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकार्य है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है।
जो कि इस फिल्म में आपको शकुर था, वाग्लून के अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन देर इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवी से रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि फैंस आप लोग को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मूवीज की रिव्यू करता हूँ और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुव सरजा उनके अलावा वैभवी संडलिया उनके अलावा अनुमेशी जैन उनके अलावा सुकृता वागले उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वही दोस्तों मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो की दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोर्ड भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है
इस भूमिका को निभाने के लिए उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की, यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है। जाहिर तौर पर आपको बता दें, उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की, और दशकों बाद जो है वह यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो, लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें, सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा, जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं, और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है। जो कि दोस्तों बता दें, यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो युद्धार्थ समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ थरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें, कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे, या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें, एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है, जो कि गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया, जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है, और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं। और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर, हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को, उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वहीं आपको बता दें, इस्माइल इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है, इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी, उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कन्फर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों, आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले, तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों, ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों, वसंता के रूप में बता दें कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों, क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले, तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है।
नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों तकनीकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है और कहानी लेखक अर्जुन सरजा। इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वाघले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोगों को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया, उनके अलावा अनुमेशी जैन, उनके अलावा सुकृता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीरे इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वहीं दोस्तों मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो कि दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है,
तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है जिसमें कहा गया है कि एक बोट भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर रहा है। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोस बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस्ट और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है। जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वो यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी जहाँ पे दो युद्धार्थ समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं जिन्हें जो है नॉर्थ थरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गाँव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है। अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है जो कि गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वहीं आपको बता दें इस्माइल इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवी की कहानी और कैसी होने वाली है लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है। क्योंकि फैंस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महा भी इस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा, और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साई के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरु का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है, और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर, और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ, और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ, और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। एक मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं मार्टिन फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होने वाली भारतीय आगामी कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अर्जुन सरजा द्वारा लिखित की गई है इस फिल्म की कहानी को। वही दोस्तों आपको बता दें एपी अर्जुन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म का निर्माण उदय के मेहता ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया, उनके अलावा अनुमेशी जैन, उनके अलावा सुकृता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर निकितिन धीर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
दोस्तों मार्टिन फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म में, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो कि देश में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म के एल्बम मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए हैं। वहीं साउंड एड के बारे में हम बात कर ले तो एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। वहीं दोस्तों मार्टिन 2024 को रिलीज होने वाली है, जो कि दोस्तों बता दें टीजर मार्टिन फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और दोस्तों 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ साथ कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म की डिजाइन के बारे में हम बात कर ले तो यह डिजाइन या फिर संयोग से हो सकता है कि तेलुगु राजनीतिक अवंगत मार्टिन लूथर किंग निर्देशक और फिर जो है मेडोना अश्विन की तमिल फिल्म मंडेला का रूपांतर होने वाला है। तेलंगाना में चुनाव से पहले 1 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। फिर भी दोस्तों ये एक प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है और सामयिक फिल्म है, जो कि नवोदित निर्देशक पूजा कोल्लूर ने मॉडर्न अश्विन की कहानी का सार बरकरार रखा हुआ है और हमें ये याद दिलाने के लिए वेंकटेश महा की पटकथा और तेलुगु राज्यों के परिवेश में जो है निहित होने वाला है, जो कि संवादों का उपयोग किया गया है फिल्म में कि यहाँ पे मतदान हमारा जो अधिकार और फिर जो है विशेष अधिकार दोनों होने वाला है। हास्य से यहाँ पे शराब बोर्ड जो है संपूर्ण यहाँ पे संपूर्ण नोस बाबू अभिनीत की गई फिल्म जो है राजनीतिक जाति और वर्ग के अंतर संबंधों की पड़ताल जरूर कर लेती है, जिसमें कहा गया है कि एक बोट भी यहाँ पे सामाजिक जो है परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो कि आराम करने के लिए यह बताना जरूरी है कि मार्टिन लूथर किंग और फिर एमएलए के खूबसूरती से काम किया गया है। भले ही आपने मंडेला को देखा होगा फिल्मों में, जो कि एक पहलू दिखाया गया जो कि इस रूपातंत्र के पक्ष में काम करता है और वह यह है कि शीर्षक भूमिका में काफी बेहतरीन नजर आए। यहीं पे बता दें कि संपूर्ण नोश बाबू का चयन किया गया है इस भूमिका को निभाने के लिए। उनके पास भीड़ का सामना करने वाला व्यक्तित्व था, क्योंकि बिल्कुल जो है तमिल मूल में अभिनेता योगी बाबू की तरह वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वहीं एमएलए के एक दूर दराज की यहाँ पे आपको बता दें कि सुसस गांव में स्थिति है, जहाँ पे दो युद्धर जो है समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिन्हें यहाँ पे नॉर्थ थ्रस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग नेता की दो जो है पत्नियां होती है, जाहिर तौर पर आपको बता दें उन्होंने गांव में एकता और फिर शांति लाने के लिए प्रत्येक जो है समूह से एक महिला से शादी की और दशकों बाद जो है वह यहाँ पे मुरझा रहे होते हैं। और वहीं पे बता दें कि अपने दो बेटों यहाँ पे जंग जीवन राम नरेश और फिर जो है लोकमान्य तिलक इसमें शामिल है, जो कि वेंकटेश महा को दोनों जो समूह के बीच युद्ध जारी रखते हुए दिखाया गया है। उनका नाम भले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया हो लेकिन उन्हें जो है देश या फिर अपने गांव की कम जो है परवाह है। अकेले आपको बता दें सार्वजनिक जो शौचालय का उद्घाटन कौन करेगा, या इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे उपयोग कौन करेगा, जैसी छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े शुरू होते हैं और जातिगत अभिमान बाकी सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों बता दें यहाँ पे एमएलए के एक दूर दराज के यहाँ पे शीर्षक जो है गांव में स्थित है कहानी, जहाँ पे दो युद्धार्थ समूहों के कारण कोई जो है महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपस में झगड़ते रहते हैं, जिन्हें जो है नॉर्थ थरस और फिर जो है साउथ नर्स कहा जाता है। गाँव के एक बुजुर्ग नेता की दो पत्नियां हैं इस फिल्म के अंदर, वही दिखाया गया है। दोस्तों बता दें कहानी बिना नाम या फिर जो है पहचान के एक व्यक्तित्व को मतदान पहचान पत्र मिलने पर जो है अचानक दो युद्धार्थ समूहों द्वारा लुभाया जाता है।
अब यहाँ पे क्या वो अपने जो है विशेष अधिकार का लाभ उठा पाएंगे या फिर इसे जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं बता दें एमएलए के जाति और फिर जो है राजनीतिक समूहों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ फिल्म के अंदर चरित्र जाति और वर्ग की युद्ध और फिर जो है सामाजिक जो उदासीन को जो है देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस किया जा सकता है, जो कि गांव में केवल दो ही किसी गांव में दोस्तों दो ही किसी भी समूह से जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोची जो है इस्माइल संपूर्ण जोश को देखा गया जो कि अपना जो है असली नाम भूल गया है और अक्सर गांव वाले उसे जो है अपमान के कुछ शब्द के साथ उसे बुलाते हैं। और उसका सहायक बेटा यहाँ पे चक्रधर, हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिण समूहों की तुलना में निचली जाति की है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ पे काम पूरा करने के लिए पिछले जो है दरवाजे से ही लोगों के घरों में प्रवेश करता है। उनके देश भाव को, उनके भेदभाव को इस हद तक जो है सामान्य कर दिया गया है कि न तो वह और न ही वह इसे अनुचित मानते हैं, कम से कम बता भी नहीं सकते हैं। वही आपको बता दे इस्माइल, इसके बारे में ज्यादा जो है नहीं लिखा गया है इस मूवीज की कहानी और कैसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों मार्टिन फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको गजब की कहानी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंस आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यूज की वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक मूवी फैक्ट पे सिर्फ मूवी रिव्यू किया जाता है। अगर फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें तो कहानी के संदर्भ में मार्टिन जो है लूथर किंग एक अच्छा आधार पेश करता है, और संपूर्ण यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण नेस बाबू के सराहनीय प्रदर्शन से पूरित है, जो कि एक निर्दोष मोची की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यकीनन दोस्तों ये अभिनेता का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। वही दोस्तों वसंता के रूप में बता दे कि शरण्या प्रदीप की भूमिका हालांकि यहाँ पे न्यूनतम है, क्योंकि फिल्म पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। नरेश और वेंकटेश महाबीस फिल्म में बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं, बाकी कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेक्स भाग देखना दिलचस्प होगा और स्कोर के हिसाब से इसे काफी बेहतरीन बनाया गया है। निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो उनका काम भी काफी बेहतरीन होने वाला है। नकारात्मक अंक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कथानक साफ सुथरा और कुछ हद तक जो है विचारोत्तेजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फीका भी है कुछ कारणों से। वही वेंकटेश महाधिकार के साथ इस फिल्म में मनोरंजन जो है पटकथा तैयार किए हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वही दोस्तों टेक्निकी पहलुओं के बारे में हम बात कर ले तो इसमें नवोदित निर्देशक जो है अच्छे काम किए हैं, उनके काम को लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शर्मनंद साय के गाने और स्कोर जो है संतोषजनक होने वाला है। दीपक यहाँ पे यार गेरा की सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जबकि दोस्तों निर्देशक जो है पूजा यहाँ पे कुल्लूरू का संपादन स्वीकारिया है। हालांकि पहले भाग में यहाँ पे सुधार की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा होने वाली है। दोस्तों मार्टिन एक नई आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है जो 2024 में रिलीज होगी। वही फिल्म के निर्देशक एपी अर्जुन है और कहानी लेखक अर्जुन सरजा इस फिल्म की। फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो उदय के मेहता जी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो ध्रुवा सरजा, उनके अलावा वैभवी संडलिया और इस फिल्म में अनवेश जैन नजर आने वाली है, जो कि इस फिल्म में आपको शकुरता वागले, उनके अलावा अच्युत कुमार और फिर जो है निकितिन धीरे इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। मार्टिन की मूवीज रिव्यूज के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर और इसे 3 दिनों के भीतर ही 70 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के साथ साथ कॉर्नर बेमी टॉप संस्करणों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का बजट प्रोडक्शन प्रिंट और फिर विज्ञापन सहित 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं फिल्म के ऊपर, जो कि दोस्तों 50 करोड़ की लागत पे इस कन्नड़ भाषा की फिल्म को बनाया गया है।
अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है 2024 में रिलीज होने के बाद। क्या दोस्तों ये फिल्म हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि फैंस आप लोगों को पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मूवीज की रिव्यू करता हूँ और मार्टिन फिल्म की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो भी इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ और मूवीज कब तक रिलीज होने वाली है मार्टिन इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी देता हूँ। दोस्तों मार्टिन एक कन्नड अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में कन्नड वेरी टैलेंट एंड वेरी जो है पॉपुलर वेरी पॉपुलर सुपरस्टार जो है दुर्गा सर्जा और साथ ही साथ इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कनाडा जो है वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस में नजर आने वाली है। दोस्तों बता दें संधील जो कि काफी ज्यादा जो है पॉपुलर होने के साथ साथ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। एंड आपको बता दें दोस्तों कि इस बार जो है कन्नड़ सुपरस्टार जो है ध्रुव सर्जा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म मार्टिन काफी जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म में से एक होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार जो है ध्रुव सर्जा की आने वाली मच अवेटेड कन्नड़ फिल्म मार्टिन में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद दोस्तों ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार ध्रुव सर्जा और फिर एक्टर जो है वैभवी सिल को नहीं जानते होंगे। दोस्तों वैभवी मर्चेंट को नहीं जानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे। दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि कन्नड़ भाषा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म मार्टिन ने इस बार इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। वही दोस्तों बता दें क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर तक की देशों में भी तहलका मचा सकती है। और दोस्तों इस बार कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो है काफी जबरदस्त नजर आने वाले हैं। वहीं ध्रुव सर्जा की अपकमिंग फिल्म जो है मच अवेटेड फिल्म मार्टिन भी काफी ज्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाया देगी। क्योंकि दोस्तों तहलका मचा सकता है जैसे 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ भाषा की मच अवेटेड फिल्म जो है KGF ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था। और दोस्तों वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की अपकमिंग कन्नड़ भाषा की फिल्म मार्टिन ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की अपकमिंग फिल्म जो है मार्टिन एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो कि KGF को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफी ज्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ जो है भरपूर थ्रिलर सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों बता दें कि ये नई बात नहीं है क्योंकि दोस्तों आप इस सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की इस फिल्म को आपको बता दें एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की एक एक से नहीं बल्कि दोस्तों एक एक के सीन्स को काफी बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। एक एक सीन्स में ही काफी ज्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स ने भी काफी जबरदस्त काम किए हैं। दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़कर हम खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार हो सकती है। वही कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की कई ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है ये फिल्म। क्योंकि दोस्तों कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार ध्रुव सर्जा का नाम ही काफी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म जो है मार्टिन के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम जो है पॉपुलर है। पॉपुलर होने के साथ साथ आपको बता दें इन एक्टर एक्ट्रेस और जो फिल्म मेकर्स को लोग भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग दोस्तों एनी टाइम काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं और दोस्तों दावा के साथ बोल सकते हैं कि कन्नड़ फिल्म जो है इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म मार्टिन बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने वाली है।
होने के साथ साथ दोस्तों बता दें पब्लिक को भी फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म मार्टिन के अंदर सुपरस्टार ध्रुवा सर्जा के साथ साथ जो है रोमांस करते हुए कर्नाड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्टर जो है भाई भाभी संधिल इस फिल्म में नजर आने वाली है। भाभी संधिल भी आप सभी को नजर आएंगी, जिनको दोस्तों पब्लिक भी काफी ज्यादा पसंद करती है। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी दोस्तों पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। दोस्तों इसीलिए आपको बता दें कि हम दावा के साथ कह सकते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म मार्टिन ने इस बार कनाडा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा और काफी दोस्तों यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही बड़ी हिस्ट्री खड़ा करने वाली है, जो कि सुपरस्टार ध्रुव सर्जा और एक्टर जो है यहाँ पे वैभवी संधिल की करियर में सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट होगा। और वही दोस्तों बता दें कि फिल्म मार्टिन को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर एपी अर्जुन ने, जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टर में से एक रहे हैं। डायरेक्टर है, काफी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। और दोस्तों जिनसे इससे पहले कई जो है कन्नड़ और दोस्तों कई ब्लॉकबस्टर फिल्म ये दे चुके हैं अपने डायरेक्शन में, वही दोस्तों कई सारे ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर एपी अर्जुन ने सुपरस्टार ध्रुव सर्जा के साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म में एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर एपी अर्जुन की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग अपकमिंग फिल्म जो है मार्टिन हिट नहीं होगी, बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला हो सकता है। वहीं 2018 में रिलीज हुई फिल्म केजीएफ ने दोस्तों क्रिएट किया था एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री क्रिएट किया था। लेकिन दोस्तों बता दें कि अभी दोस्तों फिलहाल लोगों को फिल्म का टीजर ही देखने को मिला है मार्टिन का, लेकिन दोस्तों सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की लुक्स को ही दिखाया गया इस ट्रेलर में। लेकिन दोस्तों फिल्म में और भी कई बड़े बड़े सुपरस्टार भी शामिल हैं, जिनकी लुक्स के साथ साथ जो है करेक्टर को भी दिखाना बाकी है, जो कि अब फिल्म की ट्रेलर में या फिर दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो भी होगा 100% आपको बता दें कि ये फिल्म हिट होने वाला है। और दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफी ज्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर जो है रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जिससे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। मार्टिन एक कन्नड़ अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है, और जिसके लीड रोल में कन्नड़ की वेरी टैलेंटेड और वेरी ब्यूटीफुल सुपरस्टार ध्रुव सर्जा, और उनके अलावा दोस्तों इस फिल्म में और कन्नड़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड जो एक्ट्रेस वैभवी संधिल, जो कि काफी ज्यादा जो है पॉपुलर होने के साथ साथ जो है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। और दोस्तों बता दें कि इस बार जो है कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म मार्टिन काफी जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म में से एक होने वाली, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की मच अवेटेड कन्नड़ फिल्म मार्टिन में एक नहीं बल्कि कई सारे स्टार कास्ट आपको दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से बताया जा सकता है कि फिल्म में आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, जब भी ये फिल्म रिलीज होगा आप लोग इस फिल्म को जरूर सिनेमाघरों में जाकर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक अलग लेवल की फिल्म होने वाली है। इसमें दर्शकों को देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक तो कन्नड़ भाषा की एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसे बनाने में तकरीबन 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, और ये बजट एक कन्नड़ फिल्म के लिए कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों कन्नड़ भाषा की फिल्मों को बनाने में सिर्फ 1 से 2 करोड़ या फिर जो है 10 से 20 करोड़ में ही निपटा दिया जाता है। लेकिन ये एक अलग लेवल का फिल्म है, जिसके हर एक एक सीन पे मेहनत किया गया है, हर एक एक सीन को फिल्माने में मेकर्स ने बहुत ही लंबा पैसा खर्च किया है, अपने टाइम को यहाँ पे दिया है फिल्म के अंदर, और सभी एक्टर्स और एक्ट्रेस से अच्छी तरह से काम करवाया है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इस फिल्म के अंदर हर एक एक सीन को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है, ताकि दर्शक इस फिल्म से जुड़ सके, इस फिल्म को देख सके और इस फिल्म के बारे में अपने ओपिनियन भी दे सके। वही दोस्तों अभी ये
फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फिल्म का सिर्फ टीजर ही रिलीज हुआ है। तो दोस्तों इस टीजर में सिर्फ जो है फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेस को दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों जो भी बड़े बड़े सीन्स है उसको अभी नहीं दिखाया गया। हो सकता है फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज होगा तो उसमें आपको वो सभी बड़े सीन्स आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग कन्नड़ भाषा की फिल्मों को देखना पसंद करते हो, वैसे अगर आप लोगों ने KGF 1 KGF Chapter 2 फिल्म को देखा है तो ये फिल्म भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि KGF चैप्टर 2 को ये फिल्म टक्कर दे सकता है। वही दोस्तों पुष्पा 2 भी रिलीज होने वाला है 2024 में, इसकी भी अपडेट मैं आपको दूसरी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों KGF चैप्टर 2 जो लास्ट साल रिलीज हुई थी 2022 में, और दोस्तों 2022 में इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक जो है काफी ज्यादा पागल हो चुके थे, लेकिन इस बार भी इस मूवीज के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है मार्टिन फिल्म के साथ में। इस फिल्म के अंदर दोस्तों आपको हाई लेवल का कहानी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फिल्म में अच्छी तरह से शूट किया गया है फिल्म की कहानी को। मेकर्स ने भी फिल्म में बहुत ही पैसे खर्च किए हैं और अब उनको उम्मीद है कि ये मूवी एक हिट फिल्म साबित होगा, साथ ही साथ ये एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकता है, ऐसा भी मेकर्स का मानना है। दर्शक जो है अर्जुन सरजा की फिल्मों को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या राय है इस फिल्म के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।